यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मज़े कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइज एक टेक्निकल पॉइंट के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में दोस्तों। और आज के इस वाले वीडियो में गाइज यार सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा यार, कल वाले वीडियो पर आपने भी इतना ज़्यादा खास रिस्पॉन्स बस गिर गए, क्या रोकना, दिखाया नहीं, ठीक है दोस्तों। प्लस यार एक्सीडेंट वगैरह हो गया था तो फिलहाल अपनी रोल्स रॉयस ठीक हो गई थी दोस्तों, बट नताशा थोड़ी अभी हॉस्पिटल में ही है, उसके ड्रिप वगैरह लग रही है, ठीक है। तो मैं हॉस्पिटल भी जाना है और आज नताशा के लिए मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक है सरप्राइज़ है दोस्तों, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। चलिए सबसे पहले तो अभी मुझे घर जाना है। अपनी S1000 RR लेकर क्या बाइक चल रही है, M1000 RR लेकर। गाइज इस बाइक के ऊपर दोस्तों मैं 3 से 4 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। तुम्हारी ऐसी तैसी जल्दी उल्टे पार हो इतनी जल्दी, भाई साहब मैं जंप करने की सोचा था, बंदा कितनी तेज से मार कर गया यार, बट खैर कोई नहीं यार, इतना होता ही रहता है। और इसका व्हील देखो कितनी तेज से स्पिन कर रहा है। ओ भाई साहब क्या बात है, भाई साहब गाड़ी ना मॉडिफाइड होने के बाद ये कुछ ज्यादा ही यूनिक सी भी लग रही है ना, इसीलिए तो गाड़ी देखो यार कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है दोस्तों। सबसे पहले ना मुझे एक चीज लेकर आनी है, ठीक है, पहले उधर चलेंगे फिर आएंगे दोस्तों घर पे। क्या बात है, ओ भाई साहब यार कभी कभी ना भाई थोड़ी सी मतलब लैगी सी फील होती है बाइक के अंदर, के लीन वगैरह करते हुए ना उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा जितना आता था। भाई साहब S1000 RR पे मेरे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं कसम से बता रहा हूँ। और मैं मुझे ऐसा लग रहा है भाई बाइक के अंदर दिक्कत है कुछ यार। चलिए गाइस फाइनली वी आर हियर, इजी गाइस। ये जो पेट्रोल पंप है भाई अपना फ्रैंकलिन का ये दोस्तों, और यहां से हमें जो पेमेंट लेनी थी, ठीक है ना, तो सबसे पहले चलिए दोस्तों अपना कैश लेकर आते हैं अंदर से। सबसे पहले सोडा पीऊंगा यार मैं, क्योंकि सोडा पीना ज़रूरी है यार गाइस सेहत के लिए, दिमाग थोड़ा सा उलट पुलट होता है, ठीक है ना। चलिए चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं हम जल्दी से गाइस। चलिए चल रहे हैं, बढ़िया क्या बात है। और गाइस ये कैश मैंने किसी चीज़ के लिए रख रखा था, बट अब ये जो आपको वो घर दिखाया था मैंने पैलिटो बे के अंदर, नहीं सैंडी शॉर्ट्स में आपको एक घर दिखाया था दोस्तों, परचेज करने के लिए मैंने दोस्तों पैसे जो है रख रखे थे, बट अब यार कुछ और इनसे जो है ख़रीदा जाएगा कसम से बता रहा हूँ। थोड़ा स्लो स्पीड पर ही चलेगी गाड़ी, चलिए इजी। बाकी अपने घर का भाई नंबर प्लेट पर नाम बताइए किसका लिखा हुआ है, नाम लिखा है अपने घर का, नंबर क्या है दोस्तों कमेंट करके बताओ यार। चलिए रोल्स रॉयस फाइनली आ गई थी यार दोस्तों।
टर्ज़ अपना सर्विस पर चली गई थी। और चलिए, बहुत सारे लोग मुझे बोले थे, आज भाई सिद्धू मूसे वाले की टी शर्ट आपने बहुत टाइम से पहन रखी है। यार ये टी शर्ट मेरी अब ना मतलब एक तरीके से फेवरेट ही मान लो, इस टाइम मेरी फेवरेट चल रही है, मुझे पसंद आ रही है टी शर्ट बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरा उतारने का मन नहीं करता। बस थोड़ा समझा करो यार, प्यार सा हो गया यार इस टी शर्ट से, समझ रहो, बस वो थोड़ा सा वही लव वाली बात है और कुछ नहीं है यार। गाइस बैग के अंदर से थोड़े से पैसे निकाल कर अंदर रखने हैं, ठीक है, और जो है कैश लेकर जाना है। आज हम एक ऐसी गाड़ी 200 परचेज करने जा रहे हैं जो कि आप सभी लोगों के दिल के और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और नताशा के भी अभी आपको पता चल जाएगा। सिमियन के साथ ही हमें जाना है, सिमियन अभी हमें आगे मिलेगा म्यूज़िक रूम। वैसे ज़्यादातर छोड़ो यार, मैं वहीं पर रखूँगा, यहाँ पर रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं, अपने ऑफिस रूम में ही, ऑफिस रूम में अपने पैसे रखने से भाई सही है। और कुछ कैश भी है वैसे, रख तो मैंने इधर भी रखा था यार, इधर भी कैश पड़ा है, उसमें भी कैश पड़ा है, और क्या कहते हैं सूटकेस आया था अपना, एक सूटकेस में भी 200 कैश पड़ा है, और अंदर तो नहीं पड़ा, अंदर भी थोड़ा बहुत कैश है ही दोस्तों, हर जगह कैश ही कैश है यार दोस्तों, पैसे ही पैसे पड़े हैं। मुझे नहीं पता यार मेरे पैसे इतने ज़्यादा कहाँ कहाँ पड़े हैं पूरे घर के अंदर, ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं। सबसे पहले तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, बैग को कमरे में रखूँगा, थोड़े से पैसे निकालने हैं, जितने पैसों की ज़रूरत है भाई उतने ही लेकर जाऊँगा मैं, और मैं कैश में लेने वाला हूँ दोस्तों, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आजकल मैं कर भी नहीं रहा। इस वाले रूम में खैर मेरा गेस्ट रूम है, बट कोई बात नहीं यार, क्या मज़ा है। बाकी वॉशरूम देखो कितना ज़्यादा क्लीन वगैरह हो चुका है भाई, इस बैग को तो यार फ्रैंकलिन बाहर रख दे, इस बैग को भी तो। राइट गाइस, तो जल्दी है यार, क्योंकि उसका जो है फ़ोन वगैरह आ गया यहाँ पर सिमियन का, उसने कहा भाई जल्दी आ जाओ अगर तुम्हें गाड़ी लेनी है तो। मैंने कहा भाई नहीं लेनी है यार, कैसी बातें कर रहे हो दोस्तों, आप सभी लोगों के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है यार वो, आई मीन जो कार है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना उसको ले जाए यार, उसको अंदर लगाऊंगा मैं बाइक को, साइलेंट मोड पे कर दी मैंने इसे। चलो बढ़िया, इसमें भाई रिवर्स जो आया ना काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल साइलेंट मोड पर रोके तो बाइक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालती। चलिए सही है, ये गुड हो गया। इस वाली रोल्स रॉयस को बहुत दिनों से चलाया भी नहीं यार, चलो हर गाड़ी को यार मैं अपनी चलाता रहता हूँ यार। वो तेरी ये गाड़ी कैसी आवाज़ कर रही थी अभी, मैं घबरा गया। इसमें ना असल में कस्टम व्हील्स लगवा रखे हैं मैंने, सिमियन ने मना करा था, खैर मैं भी सोच रहा हूँ निकलवा ही दूँ यार, थोड़े ऑड से लगते हैं इस वाले रोल्स रॉयस में, बट अच्छे भी हैं। इसका बोनेट ना काफ़ी आगे को लगता है, ये गाड़ी ना छतवत से देखो जरा कितनी ज़्यादा यूनिक सी लगती है, खींचूँ खींचती है, बढ़िया है, इसके स्टीयरिंग में वेट है। देख रहे हो क्या मस्त चल रही है गाड़ी, है रोल्स रॉयस चलाने का मज़ा भाई एक हद तक ही आता है कि आप एक बेहतरीन अगर व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं तभी ऐसा लगता है कि आपके हाथ में रोल्स रॉयस है, अगर किसी घटिया गाड़ी को चलाओ। किस चीज़ की बात कर रहा था मैंने, रोल्स रॉयस क्यों ली, इस वजह से इतना खतरनाक इम्पैक्ट था, 200-250 की स्पीड पे क्या हुआ है गाड़ी में, क्या हुआ है छोटे मोटे डेंट से, बस और कुछ भी नहीं यार। दोस्तों आप सभी लोग ये बोल दो ना कि अश भाई आप अपनी गाड़ी को ठोकते रहते हो, आपको ड्राइविंग नहीं आती, मेरे भाई देखो ड्राइविंग तो तुम्हारे भाई को बहुत बढ़िया आती है, मैं गाड़ी का अपने टेस्टिंग भी करता रहता हूँ, क्योंकि भाई हमारे दुश्मन इतने ज़्यादा हैं शहर के अंदर, क्या पता कौन सा दुश्मन कहाँ पर घात लगाए बैठा है और हमारा भाई मर्डर वगैरह कर दे, उससे अच्छा है भाई हम थोड़ा सा बस सावधान बैठे रहें अपने दुश्मनों से, अपनी हर चीज़ से भाई, तो जो है बंदा बचा रह सकता है दोस्तों, समझ गए आप सभी, इस चीज़ को दिमाग में डाल लो, बहुत काम आने वाली चीज़ है। चलो गाड़ी देखो यार क्या मस्त चल रही है,
चलिए सिमियोन के पास चलते हैं और सिमियोन को लेकर दोस्तों जाना है, आज पैलिटो पे निकलना है, बड़ा मजा आने वाला है पैलिटो। राइट गाइस, तो सिमियोन को भाई हमने अपने साथ ले लिया था और ये बैठा है दोस्तों सिमियोन। हम जिस गाड़ी को आज लेने जा रहे हैं भाई, वो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। और आज दोस्तों यहाँ पर पता नहीं किसी वजह से यार जो है ये बंद कर रखा है, तो हमारे पास VIP पासिस वगैरह हैं जिससे कि हम चले जाएंगे, वरना ये हाईवे पूरा का पूरा बंद है नॉर्मल सिटीजन्स के लिए। और अब गाड़ी भागेगी, मीटर से तो पूरी भाग जाएगी यार, ये पूरा मीटर टच हो जाती है। देखो मीटर से नीचे ही है ये, देखो देख रहे हो 309 घेर हैं इसके अंदर, इसीलिए तो इतनी यूनिक कार है। रोल्स रोल्स को कभी भी हल्के मत लेना यार। रेत के बाद ना यही एक मॉडल है जो कि मुझे पसंद आया है। 325, 26, 27 सिमियोन 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 वेट अ वाइल ब्रो। कुछ नहीं हुआ होगा दोस्तों गाड़ी को, लिटरली कुछ नहीं हुआ होगा। मैंने कहा था ना कुछ नहीं हुआ होगा, ये भाई उस रेत जैसी नहीं है। रोल्स रॉयस ने बहुत खतरनाक काम कर रखा है इस गाड़ी के ऊपर। अगर रोल्स रॉयस उसको भी दोस्तों पुरानी रोल्स रॉयस जैसा बना देती ना, तो इसकी मार्केट वैल्यू दोस्तों बिल्कुल भी ना होती गाड़ी की। फिलहाल इसकी सेफ्टी की वजह से इस गाड़ी की इतनी खतरनाक मार्केट वैल्यू है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा ठुक वुक के भी गाड़ी क्या भाग रही है यार दोस्तों, एक नंबर। अभी भागने में कुछ वो नहीं हुआ क्या भाई, स्लो हो गई हो। यहाँ से मोड़नी है ना इसलिए। बढ़िया, 7 बजे के बाद सीधा 9 बजे डालिए 9000 RPM पर, इसका इंजन लॉक हो जाता है। फिर इसके 4 टर्बो हैं इस गाड़ी के अंदर, चारों के चारों काम करते हैं। रह गई बस ये ब्रेक इसी के साथ। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। What miracle did you want me to perform? 355। Give me a break. चिट यार, बाहर निकलते 100 डॉलर लेगा मेरे हिसाब से। चिट अब तो ज़्यादा ले लेगा। और उसके स्टॉक व्हील से पूछता हूँ इसमें है क्या। What can the best mechanic in LS do for you? भाई व्हील्स इसके जो है स्टॉक कितने बेहतरीन लगते हैं इसके अंदर व्हील्स। क्या लग्जरी गाड़ी में आए हैं दोस्तों हम यहाँ पर। जो हम कार देखना है ना भाई, वो आप देखोगे तो पागल हो जाओगे। खैर इससे ज़्यादा महंगी नहीं है जितनी महंगी में यहाँ आए हैं, बट वो गाड़ी एक अलग लेवल की है यार, उसको एक अलग लेवल से देखा गया है। पुलिस स्टेशन में खड़ी है पर वो गाड़ी, सुनने में ही आया था कि पुलिस वाला चला रहा था उस गाड़ी को बाद में, इसलिए मैं सीधा पैसे लेकर आया हूँ, मुझे सीधा गाड़ी। यार सिमियन गिव मी अ ब्रेक ब्रो, कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर दे यार, मेरी गाड़ी है यार एटलीस्ट यार ये।
चलिए दोस्तों अंदर चल। पूरा एक घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि गाड़ी उनके घर पे थी सर के, वही जो थे वो हमारे वीडियो में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि पुलिस की उनकी जॉब वगैरह है और वो कहते हैं कि भाई मेरे मुझे वीडियो मत लेना प्लीज़। तो भाई हमने ठीक है, मैंने उनको कहा कि आप अंदर चले जाइए, मैं इतना शूट वगैरह कर लेता हूँ भाई अपनी वीडियो, ठीक है। तो गाइज ये है गाड़ी लैम्बोर्गिनी सियान, टेक्नो गेमर्स वाली कार, बहुत फेमस गाड़ी है यार, ये नताशा की मोस्ट फेवरेट कार है। फिलहाल यहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, गाड़ी भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इन्हीं के पास एक पीस था सेकेंड हैंड, इसीलिए ले रहा हूँ वरना नई गाड़ी लेता मैं, और सेकेंड हैंड भी भाई बहुत ख़तरनाक रेट में मिल रही है गाड़ी। चल सिमियन अब ट्राई करके देख लेते हैं ना, चला कर आ जा बैठ। ये वर्न आउट नहीं था, इंजन की पावर की ये टेस्टिंग कर लेता हूँ मैं। 10,000 आरपीएम पे खेल रहा इंजन या नहीं खेल रहा, जिस गाड़ी का खेल गया वो गाड़ी पास। देखो जरा टॉप एंड क्या निकाल रही है यहाँ, पता अगर चल गया 300 टच कर ले। ऐसे ऑलमोस्ट करीब ही थी यार, अब इतनी भी क्या जल्दी, क्या पता जाते हुए कर ले। गाड़ी अच्छी है। मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, गाड़ी कुछ हुआ भी नहीं, जस्ट छोटा सा स्क्रैच है। गाड़ी तो लेनी है, पसंद है और अब लेनी पड़ेगी दोस्तों, स्क्रैच आ गया गाड़ी पे। तीन सौ कर दी, ओके शिट, मजबूत भी है, मजबूत है दोस्तों गाड़ी वाकई में, जैसे हमने सोची थी ना वैसी ही है दोस्तों गाड़ी। तो चलिए गाइज हम इस गाड़ी की डील फटाफट फाइनल करते हैं और इस कार को दोस्तों हम लेकर चलते हैं घर पर, और आपको घर पर जाने के बाद पूरी की पूरी राइड। भाई लाइट्स अच्छी चल रही है। तो दोस्तों यार गाड़ी फाइनली मैंने परचेज कर ली, फिक्स भी करा दी, ठीक है। और जो रोल्स रॉयस थी वो दूसरे रास्ते सिमियन लेकर चला गया, उसको भी कुछ काम था तो मैंने कहा भाई घर पर छोड़ दियो, रात तक घर पर छोड़ देगा। मैं स्मोक चेक कर रहा था पीछे से, सही है। मैकेनिक को भी दिखा दिया, उसने भी कहा है ओके रिपोर्ट है। अगर मैं 0 to 100 की बात करूं, 3, 2, 1 बहुत जल्दी। लैम्बोर्गिनी सियान की मुझे थोड़ी सी ये चीज़ अच्छी लगती है कि ये गाड़ी टॉप एंड बड़ी जल्दी खींचती है यार। ये देखो मर्ड में थोड़ी सी भाई डिसबैलेंस होती है गाड़ी, बट फिर भी भाई गाड़ी को कंट्रोल करके चलाओ यार। राइट गाइस बढ़िया, फिलहाल तो इसे रोल्स रॉयस वाली जगह पर खड़ी कर दूंगा।
क्योंकि सिमियन तो पता नहीं कब तक लेकर आएगा गाड़ी, रात तक ही लाएगा। बढ़िया, चलो फाइनली दोस्तों इस चीज की कमी थी और आज ये भी पूरी हो गई। क्या दोस्तों आपको लगता है मुझे अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को भी दोस्तों, ये वैसे यार मैं यही गाड़ी को कलेक्शन रखूँ, है ना, आपका क्या कहना है कमेंट करके बताओ। आपका क्या कहना है, क्या मुझे लैम्बोर्गिनी सियान को दोस्तों यहाँ पर जो है प्योर गोल्ड करवानी चाहिए, हाँ या ना, आपका इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट करके बताओ, ठीक है। और नताशा उसको देख कर भाई कैसी होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में उसका रिएक्शन वगैरह देखेंगे। आई होप कि यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, लगी तो कर दो वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ लेटेस्ट और ब्रांड वीडियो में, तब तक क्लिप ने ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।